हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए, हम क्रोशिया से ये दो रंगों की जैकेट बनाएंगे। जैकेट देखिए कितनी प्यारी बनी है। बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैम दो कलर्स में जैकेट बताओ, तो दो रंगों में ये जैकेट देखिए। पैटर्न देखिए इसका कितना सुंदर है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है, और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है आपने अगर किसी और चेस्ट साइज में बनाना है। और कुछ सब्सक्राइबर्स की देखिए कहना है कि मैम कई बार क्या है, पिक क्लियर नहीं होती तो दिखता नहीं है, तो इसकी पिक मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगी। आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आज तक जितनी भी मैंने जैकेट की वीडियो डाली है उनकी पिक भी मैं कोशिश करूंगी वहां पर अपलोड कर दूं। बहुत ही प्यारी बनी है ये जैकेट। किनारी बनाई है मैंने बिल्कुल इसके साथ मैचिंग, जैसे हमारा ये पैटर्न है उसके साथ मैंने किनारी बनाई है। यहाँ पर देखिए किनारी कितनी सुंदर बनी है इसकी। और स्लीव्स बनाई है मैंने, प्रॉपर शेप में बनाई है। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने जितने स्टिच के साथ यहाँ पर स्टार्ट की स्लीव उसी के साथ हमने फिनिश कर दी, तो वो ऐसे खुली सी बाजू बन जाती है। ऐसा नहीं मैंने बनाई है, बिल्कुल मैंने उसे प्रॉपर शेप दी है। ये देखिए, यहाँ पर इसके साथ आप रखेंगे, इतने स्टिच मैंने लास्ट तक आते आते डिक्रीज किए हैं। ये देखिए, और इस जैकेट को लेकर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप इसे दो कलर में बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है, या इसे आप एक कलर में बना सकते हैं। व्हाइट कलर नहीं लगाएंगे तो सारी आप येलो बना लें। और इसे आप स्लीव्स के साथ बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है, और बिना स्लीव्स के भी बना सकते हैं हाफ जैकेट। यहाँ पर अगर आप स्लीव्स नहीं बनाते तो यहाँ पर किनारी बना सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो में कंप्लीट हाफ जैकेट बना के भी बताई है। तो अगर आप हाफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने आपके साथ ये पैटर्न शेयर किया था तो किसी ने बोला था कि मैम हाफ जैकेट बनाओ, किसी ने बोला था कि फुल स्लीव कार्डिगन बनाओ, तो दोनों तरह से मैंने वीडियो में बताया है। और इसे आप फ्रंट में इस तरह से किनारी रख के बना सकते हैं, या फिर आप इसे बटन पट्टी के साथ भी बना सकते हैं अगर आपने ये किनारी नहीं बनानी। फिर मैंने वीडियो के एंड में बताया है कि यहाँ पर आप सिंगल क्रोशे की किनारी बनाते जाएं तो आप इसे बटन पट्टी के साथ बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर देखिए मैंने राउंड नेक बनाया है, आप चाहे तो इसे वी नेक के साथ भी बना सकते हैं। जब हमने डिक्रीज किए हैं स्टिच राउंड नेक के लिए, तब मैंने वहाँ पर बताया है कि आपने अगर इसे वी नेक में बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो हर चीज़ मैंने वीडियो में डिटेल में बताई है ताकि हर कोई इसे आसानी से बना सके। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए पॉकेट भी लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, किसी भी तरह से आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, तीन प्लाई की मैंने वूल ली है, साथ में जो मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm लिया है। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ जिस चाहे साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। ये देखिए, 17 इंच से थोड़ी सी कम है, ये इतनी है ये, तो आप इसे 17 की मान के चलिए। 17 का जो पूरा राउंड होगा वो 34 हो जाएगा। 34 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है, लेकिन आप मेजरमेंट चार्ट से देखकर आप इसे किसी भी नंबर में बना सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। और अब मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ कितनी लेंथ है। ये देखिए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे 25 इंच, 25 इंच स्लीव्स की लेंथ देखिए, 20, 20.5, 20.5। ये देखिए स्लीव्स की शेप देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए, एक ये जैकेट की वीडियो अभी अभी मैंने अपलोड की है, इसमें भी देखिए मैंने फुल स्लीव्स बनाई है, और साथ में मैंने स्लीव्स को शेप दी है। आप ये चाहे तो ये बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका नेक भी देखिए कितना प्यारा बना है, बिल्कुल भी हमें कहीं पर दिखता नहीं है कि हमने स्टिच कहाँ पर डिक्रीज किए हैं। आप चाहे तो इसके साथ मैचिंग मफलर भी, स्कार्फ भी बना सकते हैं। ये देखिए, सेम पैटर्न है, बस कलर डिफरेंट है। तो इन दोनों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। और एक ये जैकेट है जो इस साल मैंने इस विंटर के लिए अपलोड की है। वैसे तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारी जैकेट्स की वीडियो हैं, लेकिन अगर आप कोई वो बना चुके हैं और बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ भी मैंने मैचिंग मफलर की वीडियो अपलोड की है।
और एक ये जैकेट है, इसकी भी वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड की है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो इसे भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर श्रग और जैकेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो उसको उसमें आपको ये सभी जो जैकेट मैंने दिखाई हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इससे पहले भी जो मैंने जैकेट्स अपलोड की हुई हैं उन सभी को आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ देखिए अभी मैंने मफलर नहीं बनाया है, अगर आपके कमेंट आएंगे तो फिर मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसके साथ भी अगर आप कहेंगे ये वाली जैकेट के साथ मफलर, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरह से हमने धागे को पकड़ा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस धागे को भी साथ में ले लिया एक बार और ये दो बार, दो बार हमने बनाया। तो इस नीचे वाले धागे को खींच लेंगे, एक हमारे पास ये चेन आई, इसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच इस तरह से चेन बनाएंगे। देखिए छः सात आठ नौ दस, तो इस तरह से यहाँ पर हम 212 211 चेन लेंगे। और चेन यहाँ पर जो हमने बनानी है ये ज़्यादा लूज चेन नहीं बनानी, जैसे कि मैं पहले भी आपको जैकेट की वीडियो में बताती हूँ कि हम जो चेन लेते हैं वो हम थोड़ी लूज लेते हैं ताकि हमारी जो जैकेट है वो नीचे से इकट्ठी ना हो, खींचे ना, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल चेन लेनी है, ज़्यादा लूज चेन नहीं बनानी। तो इस तरह से बनाकर इस तरह से मैं यहाँ पर 211 चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 211 चेन बनाई, ये देखिए 211 चेन्स मैंने ली है। 210 हमने चेन ली है पैटर्न के लिए, एक चेन हमने एक्स्ट्रा ली है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। तो स्टार्ट में मैंने 211 चेन ली है 211। तो अब इसके बाद देखिए एक हम चेन लेंगे, यहाँ तक हमारी 211 है, उसके बाद एक चेन एक्स्ट्रा ली, यही वाली एक स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए धागा लिया हमने, एक दो तीन चार चेन हम स्किप करेंगे, पांचवी चेन में हमने फिफ्थ चेन में डबल क्रोशिया किया इस तरह से, एक किया इसी जगह, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, नौ यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिए किए। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्किप करेंगे चेन, एक दो तीन और ये चार चेन स्किप की, पांचवी चेन में सिंगल क्रोशिया किए फिफ्थ चेन में इस तरह से, ये हमारे पास आया। देखिए शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद चार चेन स्किप की, फिर हमने एक ही चेन में नौ बनाए डबल क्रोशिया, फिर चार चेन स्किप की, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया। फिर से देखिए धागा लिया हमने, यहाँ पर देखिए इस चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है, इसके बाद काउंट करें एक दो तीन चार और ये पाँच, फिफ्थ चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक इसी चेन में हमने बनाते जाना है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, नौ हमने यहाँ पर डबल क्रोशिए किए। इसके बाद देखिए स्किप करेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ चेन में हमने पांचवी चेन में सिंगल क्रोशिया किए, देखिए इस तरह से ये आया। एक बार आप और देख लें, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार और पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच, चार चार हमने स्किप करनी है चेन्स,
इस तरह से ये आएगा। रो को कंप्लीट करेंगे, रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, एंड में देखिए किस तरह से बनेगा। उसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5वीं लास्ट जो हमारी चेन है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया के। तो अब देखिए ये इस तरह से हमारी फर्स्ट रो हुई तैयार। और यहाँ पर देखिए कितने हमारे पास इस तरह के पैटर्न आए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और यहाँ पर देखिए 21 हमारे पैटर्न आए हैं। किस हिसाब से हमने शुरू में 211 चेन ली है वो आप देख लें। ये देखिए बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक हमारी वो चेन हो गई, और उसके बाद चार चेन स्किप की, तो एक और ये चार पाँच, और एक में हमने ये पैटर्न बनाया नौ जो बनाए हैं, तो ये छः हो गई, चार हमने यहाँ पर स्किप किए तो ये 10 हो गई। एक मतलब हमारे पैटर्न के लिए 10 चेन हमारी यूज़ हुई हैं। उसके बाद फिर से उसी तरह से है, ये देखिए पहली में हमने सिंगल क्रोशिया किया, चार स्किप किए, पाँच, और ये छठी हो गई, चार स्किप किए और ये 10। तो 10 चेन से हमारा एक पैटर्न तैयार होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ 10 चेन के हिसाब से हमने यहाँ पर स्टार्ट में चेन लेनी है, और एक चेन हमने लेनी है एडजस्ट करने के लिए पैटर्न को। तो वो एक चेन किस तरह से देखें, ये 10 10 10 10 करते जाएंगे हम इसी तरह से। तो 21 मेरे पैटर्न हैं, तो हमारे पास ये 210 चेन हो गई वो। और एंड में जाके हमने एक और सिंगल क्रोशिया किया है, तो ये है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है 1 चेन टू एडजस्ट पैटर्न। तो ये जो सिंगल क्रोशिया है ये उसकी चेन हो गई। ये देखिए यहाँ पर यही लिखा है, 21 पैटर्न हमने बनाए हैं, 21 पैटर्न को पी से मत, पी का मतलब पैटर्न, को 10 चेन पे मल्टीप्लाई किया, सी एच मतलब चेन, तो ये 210 चेन होगी, 210। एक हमने जो एडजस्ट करने के लिए लास्ट सिंगल क्रोशिया के लिए ली है, तो 211 चेन मैंने शुरू में इस हिसाब से ली है। तो अब यहाँ पर हम सेकेंड रो बनाएंगे। ये मैं आपको लिख के इसलिए बता देती हूँ, बहुत से जो फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइबर हैं वो कई हिंदी नहीं समझ पाते, तो लिखा हुआ वो समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी आपको काउंटिंग बताई है। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया, इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, एक चेन ली, ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर, ये सिंगल क्रोशिया है, उसकी चेन में मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से ये हमारा स्टार्ट हो गया स्टिच। और ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया है, उसकी एक चेन आई है हमारे पास, इस चेन को भी हमने साथ में काउंट करना है। जब हम शुरू में 3 के चेन बनाते हैं उसमें हमारे पास सिंगल क्रोशिया नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया है, तो जब 3 के चेन बनाएंगे तो इसको 7 काउंट करेंगे। तो अब हमने 3 चेन लेनी है डबल क्रोशिया की हाइट की, और 2 चेन लेनी है हमने वी स्टिच के सेंटर की, तो टोटल स्टार्ट में हमने 5 चेन लेनी है। तो 5 चेन किस तरह से लेंगे, एक हमारी ये चेन हो गई, 2, 3, उसके बाद 4 और 5, इस चेन को हमने साथ में काउंट करना है सिंगल क्रोशिया की, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। सिंगल क्रोशिया की चेन को साथ में मिलाएंगे तो 5 ये हमारी होंगी। ये देखिए ये हमारा पहला वी स्टिच तैयार हो गया। अगर आप सिंगल क्रोशिया की चेन को काउंट नहीं करते तो फिर ये यहाँ पर मैंने 4 चेन ली है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चेन लिए, धागा लिया, यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में अब हमने रॉन्ग साइड से अपना वर्क करना है। देखिए धागा लिया हमने, सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने वी स्टिच बनाना है, एक बनाया डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन लिए, फिर धागा लिया, यहीं पर एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो इसको हम वी स्टिच कहते हैं, एक डबल क्रोशिया उसमें आता है, 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया, ये वी बन जाती है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लिए, फिर नेक्स्ट में हमने वी स्टिच बनाया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहीं पर एक और डबल क्रोशिया, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लिए। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें, जब आप वी स्टिच बनाएंगे, ये देखिए
जब हम वी स्टिच बनाएंगे तो इस तरह से फंदा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, वी स्टिच हमने इस तरह से छोटा छोटा ही बनाना है, लंबे लंबे यहाँ पर वी स्टिच नहीं बनाने, एक और दो, उससे हमारे पैटर्न में ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अगर आप देखें लंबे लंबे मतलब इस तरह से हमने बनाया, इस तरह खुले हाथ से बना दिया, तो इस साइड का डबल क्रोशे देखिए कितना बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ का या थोड़ा सा छोटा कह सकते हैं उसे, इस तरह से बनेगा। तो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट हो गई, 5 चेन लिए हमने, ये देखिए शुरू में इस साइड से देखिए शुरू में हमने ये एक सिंगल क्रोशिया किया है, इसकी इस चेन में हमने अब लास्ट वी स्टिच करना है। दो चेन लिए, देखिए एंड में ये हमारे पास इस तरह से वी स्टिच आया है, और शुरू में भी देखिए हमने वी स्टिच बनाया था। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर जो पहला वी स्टिच है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 हमने देखे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया किए, शुरू में हमने जो 3 की चेन ली है तो टोटल ये 5 हो गए, इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हमने इस पत्ती में 9 बनाए थे डबल क्रोशिए, तो यहाँ पर 4 स्किप करेंगे, ये देखिए ये पहला हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन है, 1 2 3 4, 4 स्किप किए, 5वीं चेन में हमने चेन को हमने लेना है इस तरह से, चेन ली और ऊपर ये वाइट चेन को भी साथ में लेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे दोनों को लेकर इस तरह से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वी स्टिच है यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर उसी तरह से ज्वाइन करना है हमने, ये देखिए 1 2 3 4 और 5, 4 इस साइड हमने छोड़ दी, 4 हमने इस साइड छोड़ दी चेन, सेंटर वाली जो चेन है उसको लेंगे, साथ में ये वाइट चेन को भी लेंगे, दोनों को इकट्ठा लेकर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। फिर से देखिए वी स्टिच में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ चेन को हमने ऊपर वाली को लेना है इस तरह से, कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में है हम, देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया, लास्ट जो वी स्टिच है इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने स्टार्ट में रखे हैं। और एक बात आप देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाने हैं, जो हमने 5वां डबल क्रोशिया बनाना है वो हमने चेन में बनाना है, तो किस चेन में बनाना है देखिए यहाँ पर शुरू में हमने ये सिंगल क्रोशे की चेन है, इसको भी मैंने बोला काउंट करना है, 1 2 और 3, 3rd चेन में हमने 5th वाला सिंगल डबल क्रोशिया करना है, यहाँ सेंटर में 2 चेन रहेंगी जो वी स्टिच के लिए होती हैं, ये देखिए 5th जो हमने डबल क्रोशिया करना है वो 3rd चेन में करना है, ये होल में पहले हमने बनाया, 1 ये 2 3 4, 4 हमने बना लिए, जो 5वां डबल क्रोशिया बनाना है वो होल में नहीं बनाएंगे, वो हम यहाँ से देखिए ये एक हमारी ये चेन है सिंगल क्रोशिया वाली, इसको भी हमने हमने हर बार काउंट करना है, 1 2 3, 3rd चेन में हमने यहाँ पर 5th वाला स्टिच बनाना है। इस तरह से यहाँ पर येलो कलर का धागा फिर से स्टार्ट करेंगे, पहले इस फंदे में से निकाल लिया,
ये देखिए, इसे आप वाइट को खींच लें। येलो कलर का धागा यहाँ पर बहुत खींचा नहीं होना चाहिए, थोड़ा लूज रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ से फिर खिंचाव आएगा। इसके बाद देखिए, पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये फंदा लेने के बाद हमने यहाँ पर एक चेन ली पहले, फिर हमने फर्स्ट वाली वाइट चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक दो तीन चेन लिए, धागा लिया। ये जो हमारा, ये देखिए, ये सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने यहाँ से उसी तरह से वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, एक और दो चेन लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से, फिर हमने एक दो तीन चार पांच चेन लिए, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, दो चेन, फिर हमने डबल क्रोशिया किया, तो ये वी स्टिच बन गया। कंप्लीट करेंगे, रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। एंड में देखिए हमने यहाँ पर वी स्टिच किया, एक दो तीन चेन लिए, तीन चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये शुरू में यहाँ पर एक दो तीन की जो चेन ली है, थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसी तरह से हमने शुरू में भी बनाया है। ये सिंगल क्रोशिया किया है, तीन चेन है, यहाँ पर भी तीन चेन के साथ सिंगल क्रोशिया है। ये देखिए पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। मैं आपको ब्लैक ग्राउंड के ऊपर रख के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न क्लियर दिखाई देगा। तो अब हमने नेक्स्ट बनाना है किस तरह से। ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया है, एक दो तीन चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमने तीन चेन नहीं लेनी, हमने एक चेन ली और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए धागा लिया, इस वी स्टिच में उसी तरह से नौ बनाएंगे डबल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन डबल क्रोशिया बनाए, ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन किस तरह से, वही ये एक दो तीन चार, चार चेन छोड़ के फिफ्थ चेन में हमने ज्वाइन करना है, साथ में इस येलो चेन को भी लेना है सिंगल क्रोशिया किया। फिर धागा लिया, नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन डबल क्रोशे करने के बाद ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच फिफ्थ चेन में इस तरह से, ये देखिए कंप्लीट करेंगे, रो देखिए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पैटर्न यहाँ पर अच्छे से दिखाई देता है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में, देखिए नौ बार डबल क्रोशिया किया, उसकी चेन में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे, इस फंदे में से हमने इस तरह से इसे निकाल लिया, वर्क को टर्न किया। ये देखिए ये येलो कलर का धागा लूज है, इसे यहाँ से ऐसे खींच लें। एक चेन लेंगे, जो सिंगल क्रोशिया है उसी में हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया। जब भी हम सिंगल क्रोशिया करते हैं उससे पहले एक चेन लेते हैं। तो अब ये हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसको हम एक चेन मानेंगे। ये दो तीन चार और पाँच, टोटल हमें यहाँ पर पाँच चेन चाहिए। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया वाली, ये दो तीन चार पाँच, पाँच बनाने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारा पहला वी स्टिच बन गया। इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच, सेम रो हमने रिपीट करनी है, ये वाइट वाली, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से बनाया था, पाँच हमने लिए, इसके बाद यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, दो चेन लिए, फिर से डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, पाँच चेन लेंगे, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। रो देखिए कंप्लीट हो गई।
यहाँ पर हमने वी स्टिच किया, 1 2 3 4 5 चेन लिए, ये जो लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर वी स्टिच करेंगे। देखिए 2 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 तीन चेन लेंगे। जब हमारे पास लास्ट में वी स्टिच आएगा तब हमने 3 चेन से स्टार्ट करना है और यहाँ वी स्टिच के सेंटर में 4 हमने डबल क्रोशिया करने हैं। चार हमने देखिए डबल क्रोशिया किए, एक हमारी चेन, तो टोटल ये यहाँ पर 5 हो गए। 5 बनाने के बाद यहाँ पर हमने 5 चेन, ये देखिए 1 2 3 4 5 सेंटर वाली जो चेन है वहाँ पर हमने ज्वाइन किए। इसके बाद देखिए इसी तरह से यहाँ पर 9 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेंटर में ज्वाइन करेंगे, एक येलो वाली को काउंट करें, 1 2 3 4 और ये 5। इस साइड से देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, देखिए कितना सुंदर ये पैटर्न दिख रहा है, बहुत प्यारा लगेगा जैकेट के ऊपर डाला हुआ। यहाँ पर देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं लेकिन 4 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो 5वां डबल क्रोशिया है वो यहाँ थर्ड चेन में बनाएंगे। सेंटर में हमारे पास वी स्टिच की 2 चेन रहेंगी, तो 1 और 2 ये 2 चेन है, इसके बाद ये थर्ड चेन है, यहाँ पर हमने 5th से बनाना है, 1 2 3 4 चार बनाए, 5वां डबल क्रोशिया हमने ये इस साइड से देखिए, ये 1 2 और 3 थर्ड चेन में बनाना है। और ये जो आप डबल क्रोशिया बनाते हैं ये इस तरह से थोड़ा देखिए, इस तरह से थोड़ा आप इसे बड़ा रख के बनाए लास्ट वाला। इसके बाद येलो कलर स्टार्ट करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, पहले हमने एक चेन ली, येलो कलर का धागा ये वाला है जो ये ज़्यादा ये यहाँ पर खींचा नहीं होना चाहिए, इस तरह से लूज होना चाहिए। वाइट के ये देखिए वाइट चेन को थोड़ा ऐसे खींच लें, पहला जो हमारा चेन है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए बिल्कुल सेम इस तरह से हमने रो बनानी है जैसे येलो बनाई है, सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर हम वी स्टिच करेंगे, 2 चेन लिए, 1 2 3 4 5 5 चेन लिए, यहाँ पर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। तो अब ये सेम देखिए ये येलो वाली हमारी रो स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी हमने इसी तरह से किया था, सिंगल क्रोशिया 3 चेन फिर वी स्टिच, फिर जब यहाँ पर एंड में आएंगे तो एंड में भी इसी तरह से बनाएंगे। जैसे ये हमने वी स्टिच बनाया है यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, उसके बाद 3 चेन लिए यहाँ 3 चेन लेंगे, और लास्ट में हमने ये सिंगल क्रोशे किया है, यहाँ पर हमने ये जो थर्ड चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशे करना है। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट में देखिए 1 2 3 चेन लिया मैंने, 3 चेन लेकर ये जो शुरू में हमने 3 की चेन ली है थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे किया। इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे, एक हमने चेन ली फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की, चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्वाइन करेंगे। देखिए वाइट चेन को काउंट करें, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब देखिए मैंने आपको
एक दो तीन चार पांचवी रो स्टार्ट करके बता दी है, पूरा मैंने डिटेल में पैटर्न बताया है ताकि आपको जब हमने पैटर्न को शिफ्ट करना है उसमें प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए यहाँ पर है ये हमारी इस तरह से बनी वी, वी के ऊपर जो हमने नो बनाए, फिर ये यहाँ पर बनी, फिर ये यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी, तो आगे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। आर्म होल तक मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल तक मैंने जैकेट को कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हमने नेक के और आर्म होल के स्टिच डिक्रीज करने हैं। देखिए इस तरह से इसे रखेंगे। टोटल मैंने 21 पैटर्न रखे थे, 21 उसमें से मैंने 10 फ्रंट के लिए रखे हैं और 11 मैंने बैक के लिए रखे हैं। इस तरह से इसे रखेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, स्टार्ट हमने येलो से किया था। येलो हमारा यहाँ पर कंप्लीट पत्ती है, और अगर वाइट को देखेंगे तो ये आधी है। वाइट को देखेंगे वो भी हमारे पास पाँच है। देखिए एक दो तीन चार, ये पूरे हैं, आधी इस साइड है, आधी इस साइड है, तो ये भी हमारे पास पाँच है। और इसी तरह से इस साइड येलो को देखेंगे पाँच है, लेकिन बैक साइड आप देखेंगे तो ये 11 है मेरे पास। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11। अब हमने मैंने देखिए यहाँ पर कितनी रो बनाई है, येल्लो को काउंट कीजिए, सिर्फ येल्लो रो को, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 येल्लो बनाई है। और वाइट को देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 12 मैंने वाइट बनाई है, 13 और ये 12 25 मैंने टोटल रो बनाई है। और 25 रो बनाने पर यहाँ पर देखिए कितनी इसकी लेंथ तैयार हुई है, यहाँ से देखेंगे 16.5 इंच, 16.5 इंच। अब आर्म होल के और नेक के जो स्टिच डिक्रीज करने हैं उसके लिए हम मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए येलो रो के ऊपर मैंने ख़त्म किया है और यहाँ पर मैं मार्कर लगाऊंगी। देखिए पूरी हमने पत्ती को देखना है। देखिए एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर हमारा हमारी पाँच फ्रंट की हैं, तो ये सेंटर में हमने जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने मार्कर लगाया। इसी तरह से इस साइड एक दो तीन चार और पाँच, इस तरह से आएगा। पाँच इस साइड है, पाँच इस साइड है, 10, और सेंटर में देखिए यहाँ पर इस तरह से गैप रहेगा क्योंकि हमने बैक में 11 रखे हैं। यहाँ पर जो गैप रहेगा यहाँ पर दोनों साइड किनारी आएगी, तो ये जो गैप है फ्रंट में रखा ये कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए नेक वाली साइड अभी हम कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करेंगे, हमने सिर्फ आर्म होल वाली साइड आधी पत्ती मैंने डिक्रीज की है, क्योंकि नेक वाली साइड मैंने वी नेक नहीं बनाया, मैंने राउंड नेक बनाना है। तो हमने राउंड नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर पहले सीधे जाना है, फिर ऊपर जाकर हम डिक्रीज करेंगे, यहीं से हमने स्टिच डिक्रीज नहीं करनी। तो इस साइड जैसे हम यहाँ से बनाते आए हैं नेक वाली साइड, इतना हम इसी तरह से बनाएंगे। तो हर बार मैं आपको नेक वाली साइड नहीं बताऊँगी क्योंकि सेम बनना है। अभी यहाँ पर देखिए वाइट कलर का धागा मैंने स्टार्ट किया, एक चेन लेकर जैसे हम बनाते आए हैं सेम वही है। एक दो तीन चार हमने चेन ली, एक हमारी ये चेन है, पाँच हो गई, यहाँ पर 20 स्टिच बनाया। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच, 20 स्टिच बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, एक दो पाँच बनाए, तो यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच बार मैंने 20 स्टिच बनाया। इसके बाद हमने कैसे बनाया है, देखिए 5 बार 20 स्टिच बनाने के बाद हमने एक दो तीन चेन लिए, तीन चेन लेकर यहाँ पर हम ये सेंटर में एक दो तीन चार और ये पाँच, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। हमने यहाँ तक नहीं जाना जहाँ तक हमने ये मार्कर लगाया है ऑरेंज कलर का,
हमें बस यहीं से टर्न ले लेना है, एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद धागा लिया, यहाँ पर हम 9 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमने जो स्टिच डिक्रीज किया है, रॉन्ग साइड से हमने ये आधी पत्ती छोड़ दी है, तो रॉन्ग साइड से आधी पत्ती हमने डिक्रीज की है। अब ये राइट साइड है, राइट साइड हम 9 के ऊपर 9, V के ऊपर 9 बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ 9 बनेंगे, फिर यहाँ 9 बनेंगे, यहाँ 9 बनेंगे, और ये नेक वाली साइड यहाँ पर 4 बनेंगे। जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से, वहाँ पर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे 5 है, ये ऑरेंज है, तो हम यहाँ तक नहीं गए, बस हमने आधी पत्ती छोड़ के यहीं से टर्न ले लिया। तो ये हमारी आधी पत्ती, ये देखिए ये पूरी है, तो ये आधी पत्ती यहाँ पर हमारी डिक्रीज होगी। इसके बाद हमने आगे कोई डिक्रीज नहीं करना, बस ने आर्म होल वाली साइड हमने आधी पत्ती डिक्रीज की है। तो अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आकर येलो कलर लगाऊंगी मैं, फिर यहाँ पर आकर दिखाती हूँ आपको। देखिए रॉन्ग साइड से वी स्टिच बनाकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ पर देखिए हमने आधी पत्ती डिक्रीज की थी। अब हमने इसके आगे डिक्रीज नहीं करनी, तो इसके बिल्कुल सीधा बनेगा पैरेलल। इस बात का आप ध्यान रखें कि हमने इसके पैरेलल बनाना है, तो यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं करना। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आधी पत्ती और आपकी कम हो जाएगी। ये देखिए इसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5 चेन लिए, 5 चेन लेकर यहाँ पर हमने वाइट सिंगल क्रोशिया किया था, उसकी चेन में हमने ज्वाइन करना है। देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इससे पहले ये हमारी सिंगल क्रोशिया है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने वी स्टिच बनाना है, 2 चेन लिए, एक और बनाया यहाँ पर, यहाँ तक हमने आना है। तो अब ये आधी पत्ती हमारी डिक्रीज हो गई। अगर आप यहीं पर ज्वाइन कर देते तो ये आपकी एक पत्ती टोटल डिक्रीज हो जाती। वर्क को टर्न करेंगे, देखिए इस तरह से आएगा। बस इसके आगे तो फिर वही है, 1, 2, 3 चेन लिए, शुरू में हमारी आधी पत्ती आएगी, आधी पत्ती आएगी तो शुरू में हम 4 डबल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3 और 4। देखिए 4 डबल क्रोशे किए, इसके बाद हमने ज्वाइन करना है ये 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 9 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ज्वाइन करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारी ये आधी पत्ती येलो कलर की बन गई, तो इसी तरह से यहाँ पर बना के जाएंगे, यहाँ से व्हाइट कलर लगा के फिर मैं वी स्टिच बनाकर दिखाती हूँ आपको। इस साइड तो हमने कोई डिक्रीज नहीं करना, इसी तरह से बनेगी नेक वाली साइड। यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड आ गई, यहाँ पर वी स्टिच बनाया हमने वाइट कलर से, आर्म होल वाली साइड है यहाँ पर हम। इसके बाद 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर यह थर्ड चेन में ज्वाइन किया। इसी तरह से हमने जब सारी जैकेट बनाई है, इसी तरह से ज्वाइन करते हैं थर्ड चेन में, ऐसे आएगा। इस साइड वी स्टिच है, इस साइड हमारी सिंगल क्रोशिया है, क्योंकि हमने आधी पत्ती डिक्रीज कर दी है, तो इसलिए इस तरह से आया है। अब हमने एक चेन ली, एक चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेकर फिर यहाँ पर हम वही 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। जैसे मैंने ये वाइट बनाया है, देखिए वाइट के ऊपर सेम वाइट बना लिया, अब ये येलो है इसके ऊपर सेम येलो बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से पहले हम वी स्टिच बनाएंगे, इसी तरह से फिर उसके ऊपर पांच बनाएंगे। तो आगे फिर मैं तीन चार रो आपको बना के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हम येलो कलर से वी स्टिच बना कर आएंगे तो हमने किस तरह से कंप्लीट करना है, पांच चेन लिए, ये जो हमने वाइट सिंगल क्रोशिया किया है उसकी चेन में हमने बनाना है। तो ये एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो किसी को, दो चेन लेकर यहाँ पर लास्ट में वी स्टिच किए, बिल्कुल जैसे हमने ये किया था इसी तरह से ये बना। अब इसके ऊपर हम पांच बनाएंगे, इसके बाद फिर मैं आपको दो तीन रो बना के दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने छः रो टोटल बनाई है, देखिए एक दो तीन वाइट हैं और एक दो तीन येलो हैं, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। तो अब यहाँ पर हमने नेक वाली साइड स्टिच कम करने हैं, डिक्रीज करेंगे, नेक की कटाई बनाएंगे। इसे देखिए मैंने एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट दिया है, व्हाइट कलर का धागा भी काट दिया यहाँ पर। अब जो हमने स्टार्ट करना है, देखिए यहाँ पर हम आए थे, अब हमने रॉन्ग साइड जाना था, तो जाना तो हमने रॉन्ग साइड है लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है देखिए। इतना आप याद रखें, जब भी हमने वी स्टिच वाली रो बनानी है वो हमने रॉन्ग साइड से बनानी है। जब हम ये नो स्टिच बनाते हैं तो ये हम राइट साइड से बनाते हैं, जिस साइड से पहनते हैं। तो वी स्टिच वाली रो बनानी है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से वाइट कलर का धागा नहीं शुरू किया, देखिए ये बीच वाला जो स्टिच है, एक दो तीन चार और ये पाँच, यहाँ से शुरू करना है। एक नॉट बना ली मैंने यहाँ पर, तो पहला हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन चेन ली, धागा लिया, वी स्टिच करेंगे। बनाने का मेथड वही है लेकिन कहाँ से शुरू करना है वो मैंने आपको बताया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, फिर वी स्टिच। इसके बाद उसी तरह से दो तीन चार पाँच, तो आर्म होल वाली साइड जाएंगे, देखिए वी स्टिच बनाकर मैं आर्म होल वाली साइड जाती हूँ और फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए नेक वाली साइड आ गए हम, यहाँ शुरू में देखिए हमारे पास पांच पैटर्न रखे थे हमने फ्रंट के, एक दो तीन चार पांच, पांच में से हाफ पैटर्न मैंने यहाँ पर कम किया था, तो ये मेरे पास यहाँ पर देखिए साढ़े चार थे, एक येलो दो तीन चार और ये हाफ, साढ़े चार। तो अब हमने यहाँ पर नेक वाली साइड हाफ पैटर्न डिक्रीज किया है, हाफ पैटर्न डिक्रीज किया है, तो हमारे पास ये देखिए एक दो तीन चार टोटल पैटर्न हो गए, आधा ही साइड कम हो गया, आधा ही साइड हो गया। तो अब हमने नौ लिए डबल क्रोशे, शुरू में हमने जो यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया है उसकी चेन में मैंने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, रॉन्ग साइड जाएंगे, येलो कलर का धागा स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट हमने वाइट से करना है। धागा हम इसलिए काटते हैं, अगर यहीं से स्टार्ट करना हो फिर हमें धागा काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसलिए हम धागे को काट देते हैं। एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ चेन से स्टार्ट किया मैंने, आधा यहाँ पर हमने और पैटर्न डिक्रीज कर दिए नेक वाली साइड। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया, इसके बाद यहीं पर हमने पहला से एक चेन लेंगे और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया,
यहाँ पर भी हमने स्टार्ट में एक चेन लेकर फिर स्टार्ट करना है। एक दो तीन चेन लिए, वी स्टिच करेंगे, बाकी सेम उसी तरह से है। एक दो तीन चार पाँच, बाकी पैटर्न उसी तरह से है। यहाँ वी स्टिच बनेगा, फिर यहाँ आर्म होल वाली साइड आएंगे, फिर नेक वाली साइड आएंगे। तो यहाँ पे आके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर से हम नेक वाली साइड आ गए, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसी की चेन में मैंने ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, धागे को काट देंगे, यहाँ पर हमारी इस तरह से नेक की देखिए शेप आ गई। फिर से हम रॉन्ग साइड जाएंगे, तीसरी बार धागा शुरू करेंगे, यहाँ से वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। सेम उसी तरह से करना है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, इसके बाद एक चेन लेकर यहीं पर पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद एक दो तीन चेन ली, वी स्टिच बनाया, एक और दो, फिर पांच चेन लिए, चार पांच, एक दो तीन, फिर एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया। देखिए ये हम आर्म होल वाली साइड है अभी, फिर यहाँ पर बनाकर यहाँ तक आएंगे। फिर से देखिए ज्वाइन करेंगे, पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागे को काट देंगे। फिर रॉन्ग साइड जाएंगे, यहाँ से येलो कलर स्टार्ट करेंगे, सेम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले बनाया है। ये हमने फोर्थ बार इस तरह से धागा काट कर लगाया है। हर बार हम आधा पैटर्न कम करते हैं तो टोटल नेक वाली साइड हमारे दो पैटर्न कम हो जाएंगे। एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन, वी स्टिच किया। फोर्थ बार मैंने ये धागा स्टार्ट किया है, रॉन्ग साइड से यहाँ तक आएंगे फिर वापस आएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है, देखिए सिंगल क्रोशे की चेन में मैंने ज्वाइन किया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शुरू में पांच पैटर्न थे, मैंने आपको बताया हाफ हमने इस साइड कम किया तो ये 4.5 रह गए, 4 एंड हाफ। 4 एंड हाफ में से दो पैटर्न हमने कम किए हैं नेक वाली साइड, ये देखिए इतने दो येलो पैटर्न हमारे कम हो गए नेक वाली साइड, हाफ इस साइड, तो 2 एंड हाफ, ढाई पैटर्न हमारे कम हो गए। तो ऊपर देखिए हमारे पास ढाई पैटर्न है, एक दो और ये हाफ है, तो अब ढाई के ऊपर मैं ढाई बनाऊंगी इसी तरह से वाइट से। कोई भी हमने अब डिक्रीज नहीं करना, नेक वाली साइड डिक्रीज नहीं करना, तो यहीं से हमने वाइट कलर का धागा स्टार्ट करना है, धागे को कट नहीं करना। इस तरह से येलो कलर का धागा खींच ले, वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन लेंगे, पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। बस इसके बाद उसी तरह से है, चार बार हमने बनाया, यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच बार बनाया, वी स्टिच करेंगे,
तो यहाँ पर वी स्टिच बनाकर मैं जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर हम नेक वाली साइड आएंगे, नौ नौ डबल क्रोशिया बनाकर नेक वाली साइड आ गए हम। यहाँ पर उसी तरह से ये हाफ बनेंगे, हाफ पैटर्न बनेगा। हाफ पैटर्न मतलब पांच डबल क्रोशिया बनेंगे, जैसे हमने सारा शुरू से जैकेट बनाई है उसी तरह से यहाँ पर बनेगा। ये देखिए चार बनाए हैं, पांचवा जो बनाना है वो हमने चेन में बनाना है। येलो कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली हमने, सिंगल क्रोशिया किया, एक दो तीन चेन लिए, वी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर वी स्टिच बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इसी तरह से यहाँ पर आकर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर हमने दो रोज बिल्कुल बिना स्टिच डिक्रीज किए बनाई है, वाइट वाली और येलो वाली। तो अब आप आर्म होल को मेजर कर लें। देखिए यहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ तक हमारा स्ट्रेट था, उसके बाद हमने स्टिच डिक्रीज किए हैं, तो ये 7.5 है, 8 से 2 पॉइंट कम है। और अगर आप बड़े साइज में बनाते हैं तो आर्म होल आप ज़्यादा रख सकते हैं, एक दो रो एक्स्ट्रा बना सकते हैं। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट में हम बाकी के जैकेट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।